यूपी में पत्रकार जगेंद्र की हत्या के आरोपी मंत्री पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राममूर्ति सिंह वर्मा अब तक फरार हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 30 लाख के मुआवजे और घर के दो लोगों को नौकरी का भरोसा दिया है। जगेंद्र सिंह के परिवार का आरोप है कि हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की ओर से उन्हें समझौते के लिए धमकी दी जा रही है। परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से भी कर दी है और केस दर्ज हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही डीआईजी आरकेएस राठौर खुद परिवार वालों से मिलने पहुंचे। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए थे और जो परिवारी जन पर अनावश्यक दबाव डाल रहे थे, तो इसमें उन्होंने एक लिखकर तहरीर दी है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार जोगेंद्र सिंह के घर वालों के मुताबिक आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के दो लोग आकर उन्हें समझौते के लिए धमकी दे रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें 20 लाख रुपए लेकर मामले को खत्म करने को कहा जा रहा है। वहीं जोगेंद्र सिंह हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली के पत्रकार सतीश जैन ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 2.5 साल में 79 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 24 जून तक पत्रकार हत्याकांड की जाँच रिपोर्ट मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है कि दो हफ्ते के अंदर वो इन पेटीशन का जवाब दे। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जलाकर मारने के मामले में यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा समेत 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन राममूर्ति सिंह वर्मा के गले की फांस जगेंद्र सिंह का वो बयान है जो उन्होंने अपनी मौत से पहले दिया था। दीवार फाड़ के तुमसे पुलिस वाले अंदर आए और दीवार बताने थे, पहले बहुत मारा हमें, वही जगेंद्र सिंह का परिवार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला और इंसाफ की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 30 लाख रुपए की मदद और परिवार के दो लोगों को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया है। नहीं, हमारा धरना, हमारी मांगे पूरी हो गई हैं और हमें मंत्री जी विश्वास है अगर ऐसा नहीं होता तो हम धरने पे फिर से बैठ जाएंगे। कितना मुआवजा देने की बात है? 30 लाख रुपए और दो सरकारी, हम दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी। और परिवार की तरफ से जो है अनशन खत्म कर दिया गया है। उनकी पत्नी अनशन पर थी, यानी कि जो आंदोलन हो रहा था, जो विरोध था परिवार का, वो अब खत्म हो गया है। 30 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से और दो लोगों को नौकरी दी जाएगी। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं समाजवादी पार्टी से और समित पात्रा बीजेपी से हैं। नावेद साहब, ये अच्छा तरीका आप लोगों ने निकाला, एक नई परंपरा की शुरुआत आप लोगों ने की है। खुद कुछ कर नहीं पा रहे थे, परिवार का मुंह बंद कर दिया पैसे देकर, लेकिन अपराधी तो अभी भी फरार है ना, उनका क्या होगा? अपराधी राममूर्ति सिंह वर्मा वो कहाँ हैं? देखिए जनाब, ऐसा है कि ये जो आपने कहा है, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं कि मुंह बंद कर दिया परिवार का पैसे देकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, चाहे कोई आपदा हो या कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो हमेशा से ये चीज रही है कि मुआवजा दिया जाता है क्योंकि उससे थोड़ी सी राहत मिल सके लोगों को। साहब, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, हमारी सरकार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि लालच पहले से दिया जा रहा था। बार नहीं जनाब, एक मिनट, 30 लाख रुपए का लालच पहले दिया जा रहा था, धमकाया जा रहा था उन लोगों को। देखिए अब लालच कौन दे रहा था, क्या दे रहा था, ये लालच कौन दे रहा था, ये जांच का विषय है, ये निकल के चीज सामने आएगी। सब चीज जांच चल रही है, देखिए हम लोग जांच कर रहे हैं, हर चीज पे जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। जो ये लालच दे रहा है वो भी सामने आपके आएगा, ऐसा नहीं है कि उसको आपके सामने हम नहीं लेके आएंगे। लेकिन लालच, ये अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए, बहुत अफसोस हुआ कि आप जैसे शख्स। सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिवार वाले कह रहे थे, मुंह बंद करने के लिए परिवार वाले कह रहे थे, सर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। अफसोस तो तब भी हुआ था ना सर, जब मंत्री के खिलाफ केस हुआ था 9 तारीख को दोपहर 3 बजे, और आज देखिए क्या तारीख हो गई है। सराखों वो मंत्री साहब है ही नहीं अभी, ना उनसे आप पद ले रहे हैं, ना वो गिरफ्तार हुए हैं। जी आज 22 तारीख है। जी जी
अच्छा एक बात ये बताइए, देखिए चीजें जांच चलती है, जांच के नवेद साहब आपके पास दोबारा लौटेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है। संबित पात्रा आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्या अब अपराधी पकड़ा जाएगा, क्योंकि आरोपी माफ कीजिएगा आरोपी क्या पकड़ा जाएगा, राममूर्ति सिंह वर्मा जिन पर हत्या का आरोप है क्या वो अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि परिवार ने तो अनशन खत्म कर दिया अपना। नहीं देखिए ये बहुत विचित्र और बहुत ही जघन्य अपराध है, पूरा विषय हर कोई जानता है और बिल्कुल अपने स्पष्ट शब्दों में डाइंग डिक्लेरेशन में जो व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, उसके वाणी को हमने सब कुछ आपके टीवी के माध्यम से भी सुना, रिकॉर्डेड है। और मैं बताऊं मैं खुद एक डॉक्टर हूं, डाइंग डिक्लेरेशन कभी झूठ नहीं होता है, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। परिवार के लोगों ने भी विटनेस के तौर बतौर सबूत ये देखा है कि किस प्रकार उनके पिता को जला दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जहां तक कुछ पैसे देकर नौकरी देकर पूरे परिवार को शांत करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है यहां धमकाया भी जा रहा होगा परिवार को, बेचारा परिवार इतने दिनों से भाई आप एक बात बताएंगे कि परिवार अकेले कब तक आखिर लड़ता रहेगा तंत्र के साथ। देखिए परिवार न्याय चाहे या परिवार न्याय नहीं चाहे, बड़ी बात ये होती है कि न्याय को तो होना ही पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर बातें करती है, लेकिन कांग्रेस की तरह से आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी की तरह से आंदोलन हुआ, बीजेपी की तरह से कोई बड़ा आंदोलन या कोई विरोध प्रदर्शन, आपकी वहां की जो लोकल एमपी हैं कृष्णा राज वो भी एक हफ्ते बाद गई हैं रस्म अदायगी के लिए मिलने के लिए, एक हफ्ते तक परिवार से वो मिलने नहीं गई। वहां पर जो महेश शर्मा जो नोएडा के सांसद है वो भी वहां पर थे, वो भी मिलने नहीं गए। तो आप लोगों ने क्या किया बतौर विपक्ष, बीजेपी ने क्या किया? लगातार हम इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और खुद अमन जी आपके साथ मुझे लगता है कम से कम चौथी बार इस विषय को लेकर हम डिबेट भी कर रहे हैं। हर राष्ट्र के उस चैनल पे, हर वो फ्रंट जहां पे हमें ये आवाज रखनी चाहिए वहां हमने आवाज रखा है, बड़े बुलंदी के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। केवल रस्म अदायगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, आवाज बुलंद करना और ये देखना कि पत्रकार भी तो अलग विषय है, एक व्यक्ति को जला देना, पत्रकार हो या पत्रकार नहीं हो, एक व्यक्ति को जिंदा जला देना, इससे जघन्य संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करते रहे। बीजेपी क्या करेगी बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी, जो है वो एक मंत्री, बीजेपी क्या करेगी राममूर्ति सिंह वर्मा को पकड़ा जाए, उनका उनका पद उनसे लिया जाए, बीजेपी क्या करेगी? क्या कोई सड़कों पर आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, क्या कोर्ट जाएंगे आप लोग? जर्नलिस्ट कोर्ट गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया, आप लोग क्या करेंगे? नहीं नहीं सर, देखिए जो सीबीआई जांच की इंक्वायरी की बात थी वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। हम अपने इस जांच के लिए कायम रहेंगे, अपने इस मांग पे कायम रहेंगे कि किसी भी कीमत पर सीबीआई की जांच हो। जहां तक पीआईएल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार से पूछा है, समय आने पर केंद्र की सरकार इसकी जवाब भी देगी। स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, स्टेट को चाहिए, राज्य को चाहिए कि वो सीबीआई के जांच को बिना किसी प्रकार से देरी करते हुए इसका ऑर्डर पास करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मंत्री को बचाने की कोशिश है। बचाने की क्यों, मंत्री तो नदारद है, कहां 9 तारीख और कहां 22 तारीख मंत्री अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्या ये अपने आप में अपराध नहीं है? और जो 5 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने जलाया है जगेंद्र को, आप देखिए केवल उनका निलंबन हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये अरेस्टेड क्यों नहीं है, ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये सवाल ले लेते हैं संबित, जिंदा जलाने की सजा केवल सस्पेंशन होता है क्या? नवेद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही वो है इस वक्त हमारे साथ, उनके पास लौटेंगे नवेद सिद्दीकी साहब, वो हमारे साथ लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संबित अब परिवार का धरना चूंकि खत्म हो गया है तो अब तो शायद किसी तरह का दबाव भी नहीं होगा समाजवादी पार्टी पर, तो अब तो जिम्मेदारी आप ही लोगों पर आएगी। नहीं देखिए जिम्मेदारी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मगर ये कहना कि परिवार का धरना टूट गया है तो अब जिम्मेदारी खत्म हो गई सरकार की और अब सरकार अब पीछे से काम नहीं करेगी, ये बड़ा अनुचित है। परिवार मांगे या ना मांगे, सरकार का काम है कि वो न्याय दे, ये लोकतंत्र है। मांगने पर ही जो न्याय मिलती है वो न्याय नहीं, वो अन्याय होता है। न्याय वो होता है जो सबके लिए बराबर होता है और बिना मांगे मिलता है।
वो राज्य का काम होना चाहिए कि परिवार चाहे धरना तोड़ दे, और क्या आशा करते हैं जो बेचारे चार लोग परिवार में है वो भूखे प्यासे कब तक आखिर लड़ते रहे सिस्टम से? क्या वो अपने घर में नहीं बैठेंगे? क्या वो दो वक्त की रोटी नहीं खाएंगे? अच्छा, वो अपने घर में बैठे और जुड़ गए हैं, चाहिए कि उनके जो आप सवाल उठा रहे हैं पूछ लेते हैं समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, क्या हर मामले में ऐसा ही होता है क्या? मर्डर का केस होने के बाद भी इतने दिन तक आरोपी फरार हो, उसको गिरफ्तार ना किया जाए? और एक सवाल आपसे ये है कि क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी अगर वो पद पर बने रहेंगे? आप तो मंत्री पद भी नहीं ले रहे हैं उनसे। देखिए, इतने इतने दिनों से ये बात चल रही है, जांच चल रही है। जो पुलिसकर्मी थे, जो वहां पहुंचे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद इतनी जांच कर दी है। जहां तक पत्रकारों की बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा अमन भाई, और समीर भाई भी सुन रहे होंगे तो इनको भी बताना चाहूंगा कि जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके बाद एक साहब को एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ कि एक वो निर्माण कहीं करा रहे थे तो कुछ प्रेस फोटोग्राफर वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उनकी जबरदस्ती कुछ फोटोज ले रहे थे, जिस पर कुछ कहा सुनी हुई और उनसे हाथापाई हुई। तो ये हाथापाई की तस्वीरें जब देखी या अखबार में निकल कर आई तो इसके दूसरे ही दिन सिर्फ पत्रकार पे हाथ उठा लिया था एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के प्रदेश के किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि पत्रकारों का इतना सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री साहब। हाथ उठा लिया, सवाल ये नहीं है कि वो पत्रकार हैं इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं। उस वक्त एक भी पत्रकार ने, एक भी मीडिया ने ये नहीं कहा कि एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो थे उनको हटा दिया गया इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया है। तो देखिए, हाथ उठाने पर हमारे मुख्यमंत्री हटा देते हैं, यहाँ तो अगर जलाने की बात है तो उसकी यहाँ तो जिंदा जला दिया गया सर। जांच के बाद अमन भाई, जांच के बाद चीजें निकल आएंगी तो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समित नहीं है, ठीक है समित, बहुत बहुत शुक्रिया। समित पात्रा बीजेपी से, साथ ही नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से, जिनका कहना है कि जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आज आपको बता दें 30 लाख रुपए दिए गए हैं, परिवार को दिए जाएंगे और 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसके बाद जो पत्नी है जोगेंद्र की, वो अनशन पर थी, उन्होंने अपना अनशन जो है वो आज खत्म कर दिया है।